वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू रिमूव ए बैकग्राउंड फॉर पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, सो उसका मतलब क्या है, कुछ कोई आपकी इमेज है राइट, उसमें कुछ बैकग्राउंड है राइट, इसमें बैकग्राउंड है ठीक है, ये आपको इसमें करना है राइट। एज एन सपोज ये मेरी कुछ कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे टू इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपकी बिफोर इमेज होगी ठीक है, एंड देन दिस इज योर आफ्टर इमेज। ठीक है, सो ये बैकग्राउंड मैंने कैसे रिमूव किया, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, सिंपल वे में अपन कर सकते हैं इसे करेक्ट। यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड इमेज है मैं कैसे रिमूव करूँगा, ठीक है। सो मैं ये इमेज कहाँ से लोड कर रहा हूँ, मेरे पास मेरा ईमेल आईडी है, सो मैं मेरे ईमेल आईडी से जाके यहाँ से डाउनलोड किया मेरी फाइल, ठीक है, कोई लोकेशन में सेव कर दी, देन वहाँ पे इसको इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में डिवाइस, एंड देन यहाँ से मैं फाइल वो इम्पोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास फाइल ऑलरेडी है तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पे एंटर क्लिक करके देन फाइल इंसर्ट में जाके फाइल इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने फाइल इंपोर्ट कर रखी है, सिंपल। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए, सेम चीज़ आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो राइट, कोरल ड्रॉ में भी कर सकते हो, अदर ग्राफिक ऑपरेशंस में भी कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस में अगेन आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी झिकझक होगी यहाँ पे, वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट आएगी बीच में। ठीक है, बैकग्राउंड आपके कन्वीनियंट के हिसाब से रिमूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो पावर पॉइंट इज द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आऊँगा, जैसे मैं इमेज इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे इंसर्ट करूँगा राइट, पिक्चर में जाके इंसर्ट डिवाइसेस, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इमेज इंपोर्ट कर रखी। ठीक है, देन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, इमेज को क्लिक करिए दोस्तों। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, पहले तो उसे मैं क्रॉप करूँगा राइट, मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये इधर तलक मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ताकि मेरा काम और आसान हो। ठीक है, मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, ओके पे क्लिक अगेन। यहाँ पे मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव दी अनवांटेड पोर्शंस ऑफ दी पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 3-4-5 ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, मार्क एज ए कीप, ठीक है, मार्क एरिया जैसे कीप, ठीक है, जो आपको रखना है उसको कीप करेगा वो। ठीक है, प्लस पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कीप करेगा। ठीक है, अगर आपको रिमूव करना है वो एरिया, ठीक है, मार्क एज ए रिमूव एरिया, तो आपको वो रेड में हाईलाइट करेगा। ठीक है दोस्तों, रेड या फिर पिंक, सॉरी वट एवर इज द कलर। ठीक है, बड़ी आसान सी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंटर्स आपको नेगेटिव में शो करता है कुछ ऐसे इस तरह। ठीक है, मैं मुझे रिक्वायर्ड नहीं है सब चीज़। ठीक है, तो मुझे खाली ब्लैक शर्ट चाहिए। तो दोस्तों इसमें कैसे आता है, अभी यहाँ पे जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे बस क्लिक करता हूँ। ठीक है, जितना कलर वो हाईलाइट करेगा वो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, कीप चेंजेस करूँगा। ठीक है, खाली वो इतना ही पोर्शन दिखेगा मुझे राइट, मुझे उतना पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे ऑल ओवर मेरे कट टू कट मुझे जो चाहिए राइट, तो उस हिसाब से करूँगा मैं। सो मैं मार्क कीप एज करके यहाँ से कुछ कट कर दूँगा, पोर्शन रखूँगा जो चाहिए मुझे राइट, या फिर मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ से कुछ ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये बॉक्स जो देख रहे हो आप, वो बॉक्स से लेके मुझे चाहिए राइट, तो ये कुछ इस तरह सा कटआउट हो गया है, ऑलमोस्ट डन है, कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये कुछ आपको दिखता होगा पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है, तो इसे कैसे रिमूव करेंगे, अगेन यहाँ पे इसको भी रिमूव करना है मुझे। ठीक है, ये रिमूव हो रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब वो पार्ट निकल जा रहा है। ठीक है, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम कर लेगा। ठीक है, यहाँ से आप कट कर सकते हो बैकग्राउंड। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, कोई ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ पावर पॉइंट में हो सकती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसके पीछे मुझे कुछ इमेज चाहिए राइट, मैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ बैकग्राउंड में नाइसली कुछ कलराइज्ड फॉर्मेट में हो। ठीक है, ताकि ये कुछ इस तरह दिखे, मैं इसे कंट्रोल प्रेस करके बाजू में ड्रैग करा। ठीक है, तो ये कुछ
इस तरह दिखेगा। मैं इसको ये कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर आके ब्रिंग फॉरवर्ड एंड देन यहाँ पे स्टिच कर रहा हूँ इमेज को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। थैंक यू दोस्तों फॉर योर लवली कमेंट्स। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट, एंड यस यू कैन यू नो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।